मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार के 6 माह का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के झाबुआ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से झाबुआ कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मल मेहता, पेटलावद विधायक वाल सिंह मेड़ा, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मन्नू डोडियार उपस्थित रहे। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा 6 माह में किए गए किसान ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं रोजगार से संबंधित कई योजनाओं के धरातल पर उतारने की बात पदाधिकारियों द्वारा कही गई। टीम भारती न्यूज। प्राथमिक विशेषता थी किसानों का ऋण माफ करना, 2 लाख तक का ऋण माफ करना। हम लोगों ने 2 लाख तक के ऋण माफ की घोषणा कर दी है। 3 फेज बनाए गए हैं, 50,000 तक पहला फेज है, 1 लाख तक का दूसरा फेज है और तीसरे फेज में 2 लाख तक का ऋण माफ करेंगे। सरकार बनी चुनाव केंद्रीय लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले तक 50,000 तक का पहला फेज पूर्ण किया। उसके बाद अभी हमने 1 लाख तक का फेज चालू कर दिया है और इसके बाद जैसे ही ये पूरा होगा वैसे 2 लाख तक का ऋण किसानों का माफ हो जाएगा। पहला काम ऐसे करीब 50 लाख किसानों का ऋण माफ होगा इस सरकार का। 6 माह में अभी तक हम 50,000 तक का एक फेज माफ कर चुके हैं और NPO और सब ऋण मिला करके करीब 22 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा चुका है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, गेहूं खरीदी में हम लोगों ने 160 रुपये समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को 160 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य एक्स्ट्रा दिया है। इसके बाद कृषकों की दुर्घटना के अंतर्गत हम लोगों ने विशेष योजना मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना है उसके अंतर्गत हमने 299 कृषकों को जिनमें स्थायी अपंगता मृत्यु एवं अंत्येष्टि के लिए करीब 9.40 करोड़ का राशि आवंटित की है। इसी तरह से समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोगों ने जय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 2,88,788 किसानों द्वारा 20.71 लाख मेट्रिक टन गेहूं का मंडी समिति में विक्रय किया। ग्राम पंचायत लेवल पर गौशालाएं बनाना है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एक साथ तो सभी पंचायतों में नहीं बन सकती ना, तो अभी शुरू हो गई है। झाबुआ में भी 3-4 गौशालाएं बड़ी बड़ी बन रही है। जिला गौसंवर्धन समिति का गठन किया जा चुका है, उसकी मीटिंगें होगी, उसका बरोबर परीक्षण किया जाता रहेगा। कलेक्टर महोदय के द्वारा, अध्यक्ष कलेक्टर हैं, तो गौशालाएं खोली जा रही हैं, चालू हो गया। बेरोजगारों को भत्ता देना चालू कर दिया, 4,000 रुपये प्रतिमा जो लोग बेरोजगार हैं उनको भत्ता चालू कर दिया गया, सबको उनकी ट्रेनिंग और ये सब चालू कर दी गई। रोजगार उन्मुख कराने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर वहाँ पर आधारित वहाँ के उत्पादन पर या वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो उद्योग वहाँ पर सफल हो सकता है हर ब्लॉक स्तर पर एक उद्योग की स्थापना करके रोजगारों को रोजगार देने कर दिया है। औद्योगिकरण में जहाँ भी बड़े उद्योग लगाए जाएंगे वहाँ पर 70% युवाओं को रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा। ये सभी अनूठी पहल की गई है ताकि 24 तारीख को कन्या विवाह करीब 1100-1200 जोड़ों का विवाह संपन्न होने का हमारा लक्ष्य है। परीक्षण चल रहा है, आवेदन आ चुके हैं, अब उसमें कम ज़्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, कोई उम्र कम है, कुछ विशेष तकलीफें आई तो अलग हो गए, तो वो कम ज़्यादा होते हुए भी 1000-1100-1200 के आसपास हमारे जोड़े होंगे, उनका संपन्न कराएंगे विवाह। इसके अलावा बहुत सारे नए कामों के शिलान्यास होंगे, बहुत सारे जो काम पूरे कर दिए गए उनके उद्घाटन भी होंगे। ऐसे कई बांध हैं, डैम हैं, तालाब हैं, सड़कें हैं, कई भवन हैं, ITI भवन है, इनके ऐसी बहुत सारी योजनाएं, कृषि विज्ञान महाविद्यालय का है, इसके अलावा आप रतलाम में जो है चिकित्सा महाविद्यालय बना है, चिकित्सा महाविद्यालय बना है, उसमें करीब सेकंड ईयर में 200 लोगों को प्रवेश देने की घोषणा है। ऐसे काफ़ी सारी घोषणाएं आपके सामने आएगी 24 तारीख को, और भी नई योजनाएं हम लाएंगे।